नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति इस समय केवल और केवल एक मुद्दे पर चल रही है। वो मुद्दा चल रहा है जाति का और धर्म का। हालांकि जाति धर्म के मुद्दों पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, पर क्या करें, हमारे देश की इस समय व्यवस्था ऐसी बन चुकी है कि यहाँ पर जनता के मुद्दे छोड़कर केवल धर्म और जाति पर राजनीति हो रही है। और यहाँ पर तमाम तरह के जो बयान हैं वो भी चलता में बने हुए हैं, और चर्चा के चलते उन बयानों पर भी राजनीति का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है। अब आप कहेंगे बाजार, तो बाजार इसलिए बोला क्योंकि आज की राजनीति सेवा के लिए तो बनी नहीं है, और केवल केवल इन बयानों से अपना वोट बैंक या अपने जनाधार को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले बयान आया बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का, रामचरित मानस में चौपाइयों पर उन्होंने कहा कि रामचरित मानस एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। और वो बयान केवल ठंडा ही नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश में उस बयान की खींचतान शुरू हुई, और उत्तर प्रदेश में सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पहले बसपा में रहे फिर भाजपा में आए फिर भाजपा से मुंह भंग होने के बाद उनकी सपा में एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद वो लगातार सक्रिय है, और सक्रियता की कहानी ये है कि उन्होंने रामचरित मानस की तमाम चौपाइयों पर प्रश्न उठाने कहा कि ये दलित और नारी और शूद्र वर्ग के विरोध की चौपाइयाँ, इनको हटाना चाहिए, और कहीं ना कहीं इन चौपाइयों से हमारे देश का जो एक जातिगत व्यवस्था है और जो हमारे समाज है उसको यहाँ पर अपेक्षित किया जा रहा है, उनकी निंदा की जा रही है। इसके बाद अगर हम बयान की बात करें तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि जो सत्य है वही ईश्वर है, और ईश्वर की अनुभूति आपको करनी चाहिए, और ऊंच नीच के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। रूप चाहे कोई भी हो, योग्यता एक ही होती है, और ऊंच नीच के लिए हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। और जो जातिगत व्यवस्था है वो पंडितों द्वारा बनाई गई, हालांकि पंडित शब्द का अर्थ उन्होंने यहाँ बताया कि पंडित यानी विद्वान, यहाँ पर पंडित को लेकर उन्होंने ब्राह्मण नहीं कहा। ये बात संघ के एक और पदाधिकारी सुनील आंबेकर ने कही कि उनके बयान को तोर मरलो के प्रयोग किया जा रहा है, और उन्होंने ये कहा था पंडित यानी पंडित का अर्थ उन्होंने विद्वान से लगाया था, ना कि उन्होंने ब्राह्मण धर्म पर कोई आक्षेप यहाँ पर लगाया था। पर चूंकि बयान तो बयान है, और हमारे देश में बयान को कितनी जल्दी चर्चा में बना लिया जाता है ये सबसे छिपा है नहीं है, सब जानते हैं, जनता भी जानती है, हम जैसे खबरनबीज भी जानते हैं, और शायद हमारे देश के नेता भी जानते हैं कि बयान का अर्थ क्या होता है, बयानों से क्या कुछ हो सकता है, हम नुपुर शर्मा वाले मामले में देख चुके हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर इन बयानों से एक बात स्पष्ट होती है कि चर्चाएं कुछ भी हों पर बयानों से किसी ना किसी को लाभ भी होता है तो किसी को नुकसान होता है। कोई इस बयान का समर्थन करता है तो कोई इस बयान का विरोध करता है। फिलहाल इस चर्चा में कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जाति व्यवस्था किसी भगवान ने नहीं अपितु पंडितों ने बनाई है। इससे साफ जाहिर हो गया धर्म के नाम पर गोरख धंधा हजारों साल से चल रहा था। समय समय पर हमारे देश में पैदा होने वाले संतों गुरुओं महापुरुषों ने इस पर अपनी बात उठाई। संतों की भी एक कड़ी इसी जातिवाद छुआछूत ऊंच नीच पर लगातार प्रहार करती रही। विश्व का एक ऐसा संगठन जो हमेशा विपत्ति में देश के साथ राष्ट्र के साथ खड़ा रहा है, आज उसके उच्च पद पे बैठे हुए श्रेष्ठ पद पर बैठे हुए मोहन भागवत जी ने जिस प्रकार से ब्रह्म की संता ने ब्रह्म समाज पंडित समाज को जिस प्रकार से उन्होंने उनके प्रति एक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि सदैव ही निंदनीय रहेगा। उन्होंने समाज को बांटने वाला ये जो बयान दिया है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा इसका प्रबल विरोध करती है। महत्वपूर्ण चर्चा विषय हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा रहा हूं। देशबंधु जी चित भारतीय जनता पार्टी पर पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से नितिन सिंह यादव भाई अपना पक्ष रखेंगे, सवर्ण महासंघ से गजेंद्र त्रिपाठी भाई अपना पक्ष रखेंगे, नेता आपसे उनके वरिष्ठ नेता जनक प्रसाद अपना पक्ष रखेंगे, और दयाराम भार्गव भाई सुभाषपा से अपना पक्ष रखेंगे। सभी मेहमानों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा देशबंधु जी चित से। डीसी जी,
मोहन भागवत समय समय पर तमाम तरह के बयान देते रहते हैं, कभी मुसलमानों को ना डरने की हिदायत देते हैं, तो कभी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जातिगत व्यवस्था है वो पंडितों द्वारा यानी विद्वानों द्वारा बनाई गई थी, और फिलहाल समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और सभी एक हैं, और ऊंच नीच का स्थान हमारे देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो सत्य है वही ईश्वर है, ईश्वर के नाते यहाँ पर योग्यता कोई भी हो, रूप कोई भी हो, योग्यता समान होनी चाहिए और सबको यहाँ पर बराबर हक प्राप्त है, कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम चर्चा में गौरव जी, आपने अपना आज मुझे आमंत्रित किया। देखिए संघ प्रमुख का जो बयान है जी, वह बहुत ही दूर दृष्टि का है, व्यापक व्याख्या करूंगा तो बहुत समय लगेगा। अच्छा, दूर दृष्टि का बयान है, लेकिन आप यह देखिए संघ नहीं, देखिए कोई भी जब बयान दिया जाता है तो किसने दिया, किस समय दिया और किस परिस्थिति काल में दिया। संघ प्रमुख हमारे बड़े परम आदरणीय है, और संघ की देखिए मूल अवधारणा जो रही जी, वो हमेशा समाज की सेवा रही। अच्छा, समाज का शोषित वंचित गरीब आदमी रहा जी, और जो जाति वर्ण व्यवस्थाएं हैं जी, ये तो आप कह लीजिए, और जो अभी आपने अभी अपने कहा पंडित जाति जो है जी, देखिए पंडित जाति हो या मुस्लिम भाई में मौलवी हो या क्रिश्चियंस में फादर्स हो, अच्छा जो कुछ जाति व्यवस्थाएं वो भी दो आधार पर है, एक अच्छा। आपने देखा कर्म के आधार पर जातियां बनी, और एक जो है आधार ले लिया गया कि भाई जी, और किसी की क्या नाम है जो जातियां विभाजित कर दी जी, हमने बनाई समाज ने बनाई ठीक। तो संघ प्रमुख ने जो बनाया कि देखिए यह देश तो एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का आदर और सत्कार होता है। अच्छा, लेकिन ये जो बयान उन्होंने दिया इस परिपेक्ष में दिया, और देखिए कोई भी भगवान परिस्थिति काल में जो दिया जाता है उसकी दूर अगर गामी परिणाम दिखे। अभी कौन सी परिस्थिति चल रही है भाई? देखिए अभी जो परिस्थिति चल रही है आप देख रहे हैं, आए दिन बयान है, यही स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने पूरा जीवन वृत्तांत देखा है, सभी पार्टियों से घूमते घामते आए। अच्छा, अब आप इनकी मूल अवधारणा देख लीजिए, 5 साल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री के पद पे मलाई और चाशनी खाई। अच्छा, तब इनको ये कौन सी बात नहीं, है? नहीं, उस 5 वर्ष में इनको कभी भी ये रामचरित मानस की चौपाई नहीं याद आई। अच्छा, अब ये सपा में चले गए हैं, और आपको कहना ये छूतम मतलब छूतम राजनीति कहते हैं, संकीर्ण मानसिकता या कहते हैं विक्षिप्त से विक्षिप्त मानसिकता। अच्छा, का बयान देके केवल छद्म प्रसिद्धि पाना है, और कोई इसका तार्किक आधार गौरव जी है नहीं। मैं आपकी श्रुति श्रोताओं जो आपके प्राइम चैनल पे देख रहे हैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप जान रहे हैं इस समय जब देश जो है एक विश्व गुरु मतलब पटल पे, हम विश्व की 5 आर्थिक अर्थव्यवस्था में हो, पहले दूसरे का हमारा लक्ष्य है, और हम विश्व गुरु की तरह विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, और फिर से ये जातिगत भाषण या रामचरित मानस, अरे रामचरित मानस एक हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, उसके आधार पर लोग आचरण करते हैं। अच्छा, श्री रामचंद्र के जीवन वृत्तांत को सुनकर लोग संस्कार अपने बच्चों में देते हैं, उस पर यह असभ्य टिप्पणी करना, मैंने देखा बहुत बड़े बड़े विद्वान, मैं तो बहुत छोटा हूं अगर इस पर बोलूं, लोगों ने आपने देखा होगा इस पूरे सप्ताह या माह में, अरे उस दोहे के इतने अर्थ निकल गए कि उस पे एक शोध का विषय हो सकता है, कि एक्चुअली उस चौपाई का अर्थ है, वो एक अन्यतर विषय है। बयान पे आ जाइए, लेकिन आपको जो बता दूं संघ प्रमुख का जो बयान आया है संदर्भ में, वो इस संदर्भ में आया। देखिए ये जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा ना, अच्छा। आपने गौरव भाई हमेशा देखा, अच्छा, कि जब से आजाद हुआ भारत तब से केवल जाति धर्म की लड़ाई हुई, कभी जो है विकास की बात नहीं होती, कभी मुद्दों पे बात नहीं होती, कभी। अब आप भी देख रहे हैं जितने विवादित मुद्दे थे ये आपने देखा वह लगभग सभी समाप्त हो गए हैं, लेकिन बस अब जाति के नाम पर सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, ये सारे वाद करके केवल एक युवाओं में और भारत में देश में और प्रदेश में एक उन्माद स्थापित किया जाता है। लेकिन आपको यह बता दूं, आपने देखा होगा विगत सारे चुनाव में जनता जनार्दन भी देखिए, अब सोच, अब ये 2021वीं सदी का भारत है, आज का लड़का या आज का युवा, आप है हम है, ये जाति वर्ण व्यवस्था से नहीं, आपकी जाति श्रीवास्तव है, मेरी जाति देशबंधु है, इससे नहीं काम होता है। अच्छा, आदमी अपने गुणों के आधार पे और कर्म के आधार पे पहचाना जाता है, मुझे तो लगता है। और जातिगत जो ब्राह्मण
पहले बनाई गई थी, भाई ब्राह्मण अपना काम शिक्षण का करता था, वैश्य समाज व्यापार करता था, शुद्ध का कार्य था क्षत्रिय लड़ाई युद्ध। अब तो युद्ध होते नहीं कि भाई तलवार लेके हम भाई क्षत्रिय, अरे भाई तब कर्म के आधार पे बनता था। अब आदमी विकास की बात करता है, समाज में आगे बढ़ने की बात करता है, प्रगतिशील सोच के। आज आप टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, हम नासा पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, आप वहीं पे लगे बैठे हो, एक चौपाई पे पड़े हो, और आप बताइए इसको क्या कहा जाए? ये केवल झूठी प्रसिद्धि कहने के आडंबर नहीं है, कही है तो वही वाली बात है, कही है तो कम से कम सबका प्रसाद हो जाता है। नहीं देखिए, आज के संदर्भ में भूल जाते हैं, सुनिए आज के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, वही मैंने कहा संघ प्रमुख का बयान जो है दूरगामी दृष्टि का है। देखिए भारत वर्ष जो है, अब आपको बता दे एक लोकतांत्रिक देश है, इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा या अनर्गल व्यक्ति कुछ भी टिप्पणी कर दे और हम लोग आपस में टूट जाएं। अब हम एक ऐसे दिशा की ओर बढ़ गए हैं कि देखिएगा, अब हमारा जो विजन है कि हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हैं। और आप देखिए कुछ न कुछ तो आपको ये तो आप मानेंगे कि भारत वर्ष की कैलिबर्स है, भारत के युवाओं में ये वो शक्ति है कि भारत का युवा संसाधन संपन्न होने के बावजूद भी अगर उनको न मिले, आपने देखा होगा इतनी बड़ी वैश्विक महामारी रही, दुनिया के विकसित से विकसित देश हार गए लेकिन तब भी हम देश को बचा लाए। लेकिन आप देखिए संघ प्रमुख ने बहुत सोच समझ कर दिया, भारत एक एकता का प्रतीक है, अनेकता में एकता, यही भारत की रीति नीति आई है। और आपको बता दे मैं यही कहता हूँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। ठीक है। अब हमारे संघ प्रमुख ने जो वचन दिया उसी पे भारत आगे बढ़ेगा। और देखिएगा निस्संदेह हम विश्व सफाई आ गई है, आरएसएस के नेताजी जी सफाई आ गई। सुनील आंबेडकर ने कहा दिया है कि उन्होंने जो पंडित शब्द कहा है वो विद्वान से कहा है, पंडित शब्द उन्होंने ब्राह्मण को लेकर नहीं कहा। ठीक है, हमारे नितिन यादव सपा से। नितिन भाई बयान महत्वपूर्ण है, और जिस तरह बयान हम देख रहे हैं केवल राजनीति बयानों पर हो रही है, जनता के मुद्दे गायब हो चुके हैं। कभी चौपाइयों पर बात होती तो कभी यहाँ पर भागवत जी बयान देते हैं, कैसे देखते हैं इस बयानों को? कहीं ना कहीं क्या इसकी जरूरत हमारे देश को है, या हमारी जरूरत कुछ और है? जी धन्यवाद गौरव जी। जी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत विस्तार से जी विषयांतर किया जी, क्योंकि आज का मूल जो आपका प्रश्न है कि बिल्कुल संघ प्रमुख जी, संघ प्रमुख माने देश की बहुत जिम्मेदार जी पद पर बैठे व्यक्ति जी, मैं उनको आज की डेट पर अगर संवैधानिक व्यवस्था ना होती तो मैं उनको प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल व्यक्ति की रूप में मानता हूँ। क्या बात, चूंकि वो प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है लेकिन सांगठनिक दृष्टि से वो प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। ठीक, अब इसमें दो बातें हो गई कि एक तो उनका बयान हो गया कि ये जाति व्यवस्था जो है जी पंडितों ने बनाई जी, उधर से सफाई भी आ गई कि पंडित माने विद्वान ने बनाई। चलिए जिसने बनाई पंडित ने बनाई या विद्वान ने बनाई जी, अब यहाँ अगर बहस हो जाएगी तो जहां जहां लाभ की बात आ जाए वहां सब हम कड़ुआ कड़ुआ मीठा मीठा गप कड़ुआ कड़ुआ थू। ठीक जी, अब बात यहाँ आती, देखिए एक मनुस्मृति में ही लिखा है जन्मना जायते शुद्ध कर्मणा दुजुच्यते, तो जन्म से तो सभी शूद्र पैदा होते हैं, कर्म से जाति बनती है और जाति नाम पैसे का है। ठीक, जाति और ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो आज चर्चा हो रही है आज इसको जाति के रूप में लिया जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति वर्ण के रूप में हुई है। बिल्कुल, और ये कब हुई है इस पर मैं आ जाऊं कि इसकी उत्पत्ति जो हुई है ये वैदिक काल में हुई है। बिल्कुल हुई है, जो ईसा से 1500 से लेकर के 600 वर्ष के बीच का कार्यकाल रहा है ये वैदिक काल रहा है। वैदिक काल दो पार्ट में रहा, एक पूर्व वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल। 1500 से लेकर 1000 वर्ष पूर्व जो है ईसा से ये पूर्व वैदिक काल था। 1000 से लेकर 600 वर्ष पूर्व तक का जो ईसा का था ये उत्तर वैदिक काल था। पूर्व वैदिक काल में जब वेदों की रचना हुई तो उसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या बात इसका उल्लेख मिलता है वर्ण व्यवस्था का। तब ये वर्ण व्यवस्था ऐसी थी जैसे आज के समय में हमारी सामाजिक व्यवस्था में कैटेगराइज है। आईएएस आईपीएस का एक वर्ग है जी, पीसीएस पीपीएस का एक वर्ग है जी, बाबू लोगों का एक वर्ग है और चपरासी का एक वर्ग है, यानी ए बी सी डी क्लास जो आज जॉब होती है ना कि प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी, इसी तरीके का एक वर्ग था जिसके
आज अगर धर्म ग्रंथों की बात की जाए तो गीता में भी इसका वर्णन आता है कि ब्राह्मण वो जो नौ कर्मों से युक्त हो, सम दप तप सौं सिद्ध शांति ज्ञान विज्ञान आर्त और ब्रह्म, जिसमें पूरा ज्ञान लेके निधन भाई आए हैं, वो ब्राह्मण जी धरती क्षमा ऐश्वर युद्ध करना रक्षा करना दान देना उससे भागना नहीं, जिसमें सात लक्षण होते थे वो क्षत्रिय कहलाता था। कृषि गौरच वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव जा, जो कृषि का कार्य वाणिज्य का कार्य और गोपालन का काम करता था, पशुपालन का काम करता था, वो वैश्य होता था किसी भी कुल जात में पैदा हो। और जो विवेक शून्य होता था वो सूत्रम के द्वारा सेवा करता था, उसको शूद्र सामाजिक व्यवस्था में कहा गया था। ये वर्ण व्यवस्था थी और ये परंपरागत नहीं थी, ये बाकायदा जैसे आज होता है कि हम हाई स्कूल इंटरमीडिएट जब पढ़ते हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद 80% के ऊपर वाले 70 के ऊपर वाले डिक्टेंशन मार्किंग होती है, 60 प्लस वाले फर्स्ट डिविजनर होते हैं, 45 से 60 वाले सेकंड डिविजनर, 33 से 45 वाले थर्ड डिविजनर और 33 के नीचे फेल माने जाते हैं। अच्छा। उसी हिसाब से उनको काम मिल जाता है कि फर्स्ट डिविजनर है तो इसको ये, सेकंड डिविजनर इसको ये, ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये परंपरागत हो गया। अच्छा। कि अब ये ब्राह्मण का काम करने वाले व्यक्ति का पुत्र हो गया तो ये भी ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय के कुल में पैदा हो गया तो क्षत्रिय रहेगा, शूद्र के कुल में हो गया शूद्र। ये उसी समय जैनिज्म और बौद्धिज्म की उत्पत्ति भी हो गई, क्योंकि वो समय जो व्यवस्था थी इसको हम सनातन धर्म कहते थे जी। आज का जो हिंदू बार बार कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है। अच्छा। सनात जो धर्म था भारत का मूल, जो विश्व गुरु था, जहाँ जिसका मूल सिद्धांत होता था अयम निजा वेद गणना लक्ष्य साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ इस तरीके की सोच होती थी तो पूरी पृथ्वी हमारा जब एक परिवार होता था, पूरी कुटुंब होती थी और हमारे वहां के सारे भाई बहन हमारे आपस में भाई बहन होते थे, बड़े छोटे मझोले भाई की तरीके सब आपस में प्यार मोहब्बत होता था। लेकिन जैसे ये परंपरागत हो गया, योग्यता को पीछे किया गया, वहीं से विद्रोह समाज में शुरू हुआ, वहीं जैनिज्म और बौद्धिज्म की उत्पत्ति हुई। अब आ जाते हैं आज के मूल प्रश्न पर। अगर ये बात ठीक संघ प्रमुख ने कही, ब्राह्मणों ने किया, पंडितों ने किया, विद्वानों ने किया, तो आखिर इससे क्या मकसद उनका कि ये बात जो की गई है ये पाखंड के तहत किया गया, व्यापार के तहत किया गया, धंधे के तहत किया गया, कि समाज के एक बड़े वर्ग जो कमेरा वर्ग जिसको कहा जाता है इसको नीचा दिखाने की दृष्टि से किया गया। अगर आज जब देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू है और जब इस देश में सबको बराबरी के अधिकार हैं, सबको अवसर की समानता जी मिलनी चाहिए ऐसी संविधान की प्रस्तावना कहती है, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाने वाली बंधुता ऐसा संविधान की प्रस्तावना जब कहती है, तो उस दृष्टि के कोण से इस बयान का क्या औचित्य है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई, पंडितों ने बनाई? अगर मान लेते हैं पंडितों ने बनाई तो किस दृष्टि से बनाई और उनके कहने का सारांश क्या है कि जाति व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जी? उनके बातों का जो सारांश मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि उनका जो लक्ष्य है कहने का ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कि ब्राह्मणों ने बनाई तो अच्छा किया या बुरा किया, क्या इसका लक्ष्य है, ये बात अभी तक निकल के नहीं आई। मुझे लगता है संघ के कोई जानकार इसमें जुड़े या भारतीय जनता पार्टी के हमारे अन्य साथी कोई इस विषय में प्रकाश डाले तो मुझे लगता है कि मेरा भी बौद्धिक आरएसएस का जो सफाई है उसमें यही कहा गया है कि उन्होंने सारे देश को एक जोड़ने की बात कही है और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि हमारे देश में जातिगत व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, वो चीज नहीं होनी चाहिए, अपने इस भ्रम को दूर करना है और देश को आगे लेकर जाना है। निश्चित रूप से गौरव जी, इस पर अगर जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। तो अभी तक तो वो बार बार इसको हिंदू नाम से देख के आए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन जब हिंदू के नाम पर देश के बहुतायत जनमानस ने जी भारतीय जनता पार्टी जिसका मदर संगठन होता है आरएसएस उसको सत्ता दी, अच्छा तो क्या सत्ता में आने के बाद जी क्या संपूर्ण जिसको वो हिंदू कहते हैं जी जिसमें अगड़ा पिछड़ा जी एससी एसटी जी सब, क्या जरूरत पड़ गई फिर कि अब इसमें कैटेगराइज करने की, क्या सबको बराबर समान अधिकार देने की बात की जाती जी। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जी, क्या जाति व्यवस्था समाप्त की जाएगी जी? जात का कालम समाप्त किया जाएगा जी? मैं मांग करना चाहता हूं कि अगर वो जाति का कालम समाप्त कर दे किसी भी इंटरव्यू में
किसी भी जगह जाति सब सरनेम जात सूचक शब्द समाप्त कर दिया जाए तो मुझे लगता है फिर से राम की त्रेता की व्यवस्था आ जाएगी। त्रेता में रामचंद्र भदौरिया, लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, शत्रुघ्न सिंह तोमर तो नहीं लिखा करते थे, दशरथ सिंह चौहान तो नहीं लिखा करते थे, वहां राम कृष्ण भरत शत्रुघ्न से लेकर यजुर्वेद दिलूप तक चले जाओ, राजा नहुष याति तक परंपरागत चली जाती है, कोई सरनेम नहीं था। कर्म के आधार पर सबको वर्ण व्यवस्था में सबको सम्मान मिला, द्वापर तक आ जाइए और त्रेता तक आ जाइए। कृष्ण के समय भी कृष्णचंद यादव, बलराम सिंह घोसी और शत्रुघ्न सिंह कमरिया तो नहीं लिखा करते थे, उस समय भी तो सब यदुवंश है तो पिता के नाम से वंश परंपरा चलती थी। यदुवंश पिता थे यादव, इनके पुत्र के ये रघुवंश के वंश हैं, ये याद के वंश हैं, यज के हैं, दिलीप के, बस परंपरा चलती थी, तो आज हम भी हो सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शास्त्रों को आधार लेकर जो विद्वान लोग जाति आधारित ऊंच नीच की बात कहते हैं वो झूठ है, और सीरत ने उनका बयान स्पष्ट करता है कि जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा प्रवक्ता सुभाष पाल दयाराम भार्गव। दयाराम भाई, मोहन भागवत के बयान पर तो राजभर जी का कोई बयान नहीं, पर स्वामी प्रसाद मौर्य वाले बयान पर वो लगातार उनका प्रहार जारी है। उन्होंने कहा कि जब मौर्य भाजपा में थे, सपा में थे, तब उनको चौपाई यार नहीं आती थी, और अब उनको सपा में आते ही उनको चौपाई यार आने लगी, भाजपा बसपा में उनको चौपाइयों की भूल गए थे, उस समय केवल सत्ता की कुर्सी पर बैठ के आनंद ले रहे थे। जी जल्दी जाओ गौरव भाई जी, बड़े समय से बड़ी देर से मैं इंतजार कर रहा था जी। आज मोहन भागवत के सवाल पर जी पूरा देश नहीं पूरे विश्व में यह चर्चा है जी, तो उनका बयान ये कहता है कि जातियां जो पंडितों ने बनाई जी, फिर आरएसएस के विचारक ने उसके सफाई दिया जी कि पंडित मतलब विद्वान जी, तो इसका मतलब जो लोग पंडित शर्मा लगाते हैं, पंडित तिवारी लगाते हैं, अच्छा, पंडित मिश्रा लगाते हैं, पंडित उपाध्याय लगाते हैं, चतुर्वेदी दुबे लगाते हैं, तो आप ये बताइए वो विद्वान नहीं है क्या जी? हम आप जानना चाहेंगे। देखिए आपके माध्यम से अभी दो विश्लेषक आपके चैनल पे बोल रहे हैं जी, हमें जानना चाह रहे हैं जो पंडित फला फला शर्मा, पंडित फला फला तिवारी, अच्छा, पंडित फला फला उपाध्याय, ज्ञानी होगा तभी तो पंडित लगा रहा है वो, पंडित उपाधि है भाई। तो सुनिए सुन तो जी, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, इसका मतलब वो लोग ज्ञानी नहीं है, अच्छा, वो लोग विद्वान नहीं है। दूसरी बात जी, जातियां किसने बनाई, जातियां लोगों ने बनाई या नहीं बनाई ये विषय नहीं है, अच्छा। हमारे देश में 6,743 जातियां पिछड़ी जात में, जी 6,743 जातियां पिछड़ी जात में, अच्छा। इस जात को किसने बनाया, अभी हमारे एक भाई कह रहे थे गौर भाई कि कर्मों के आधार पे जी, हमने मान लिया इनकी बातें कर्मों के आधार पे जी। जब कोई जूता बनाता था, मोची बनाता था, मोती का काम होता था, जूते की दुकान जो है मोती यानी उसी SC ST में जाता था, शेड्यूल कास्ट में जाता था, अच्छा। आज वो जूते की दुकान ब्राह्मण भी लगाता है, ठाकुर भी लगा रखा है दुकान जी, ठाकुर की जूतों की दुकान, पंडित शर्मा जी की जूतों की दुकान, हाँ। अब आप बताइए कर्मों के आधार पे कैसे हो गया भैया? अच्छा। बढ़ई जो लकड़ी चीरा करता था, हाँ। जिसका काम लकड़ी चीरना था उसको बढ़ई बना दिया, आपने कारपेंटर बना दिया, अच्छा। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ ब्राह्मण समाज है सभी जातियां क्या नाम काम कर रही है, अच्छा। नाई का बाल काटने का जो काम होता था वो नाई होता था, अच्छा। जिसे कथा में सत्यनारायण बाबा के कथा में जो नाऊ ठाकुर आकर के पहले लीपा पोता करके पंडित जी को तैयार करके कथा करवाते हैं, क्या बात है। आज नाई का काम जो है मुसलमान भी कर रहे हैं, कई जातियां कर रही हैं जी। इसका मतलब कर्मों का आधार क्या हो गया? अच्छा। वही कुम्हार जो बर्तन बनाता है, हाँ। हर कोई बना रहा है, हर कोई मूर्ति बना रहा है, तो जाति के आधार पर जो जातियां बनाई गई कर्मों के आधार पर, इसको मैं गलत मान रहा हूं, अच्छा। अगर या तो उस जाति, अगर कर्म के आधार पर आपने जात को वर्णन किया है, हाँ। तो छोड़ दीजिए ना, आप कहना क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं भाई, आप बयान का समर्थन करते हैं कि विरोध कर रहे हैं जी? मेरी बात सुनिए ना, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं आपके द्वारा उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अच्छा। आज देश में 6,743 जड़ी जातियां हैं, देश आजाद 1947 में हुआ, हमारे देश में एक संविधान है जी। संविधान के आधार पर क्या बना? चार वर्ण है, सामान्य है, OBC है, SC ST है, पांचवा तो कोई नहीं है ना, अच्छा। लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए पिछड़ी जात को 1993 से जो 27वां आरक्षण मिला है, 27वां आरक्षण में उत्तर प्रदेश में 96 जातियां बात करती है पिछड़ी जात की, अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों को 1947 से लेके 2023 में 75 साल की अमृतकाल की जो चल रहा है, हाँ। उन जातियों को लाभ कम मिलेगा, अच्छा। उनके बेटी बेटा को चौकी थाने DM SDM लेखपाल चपरासी कब बनेंगे, अच्छा। उनका नंबर कब आएगा, अच्छा। जब समाजवादी की सरकार थी चार बार, तब इनको इससे कोई दिक्कत नहीं था। आप ध्यान रखिएगा,
राम लौटन निषाद समाजवादी पार्टी के, उन्होंने रामचरितमानस पे आराध्य राम को श्री राम प्रभु राम के ऊपर एक पूरा कुठाराघात कथन किया था भाई। तो समाजवादी ने, आपने पूरी बात कही पर ममता मैं समझ ही नहीं पाया आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने आपसे दो बात कही, मोहन भागवत के बयान के बारे में बात कही और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की बात कही जो राजभर जी लगातार बोल रहे हैं। मैं दोनों को कोट कर रहा हूँ, जल्दी करिए, दोनों को कोट कर रहा हूँ। आज आज स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके हाहाकार है तो मोहन भागवत के भगवान को लेके हाहाकार क्यों नहीं होना चाहिए? हो तो रहा है, कितना हाहाकार चाहिए। दूसरी बात के बयान से मैं इसलिए दोनों राजनीतिक है। हाँ। आरएसएस मतलब भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मोहन भागवत बोल रहे हैं। हाँ। ये समझिएगा, देश की सबसे बड़ी कुर्ती राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री। अच्छा। जितनी सुरक्षा देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को है उतनी सुरक्षा जो है क्या नाम मोहन भागवत को हमारे हल्का कैसे बात ले लेंगे। दूसरी बात आज स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को इसलिए हम लोग खंडन नहीं करना चाहते, तो खंडन भी कर रहे हैं। अगर वो ये रहते हो, ये बहुजन समाज पार्टी में चार बार वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। अच्छा। अच्छे मलाईदार होते पे विभाग था। अच्छा, उनके पास आप अपनी पार्टी में लेंगे उनको छोड़ के आएंगे? अगर अपनी पार्टी में उनको लेंगे छोड़ कर आएंगे? सुन तो लीजिए हमारी बात। देखो गौरव भाई, आप सुन तो लो, मुझे कहने ही नहीं दोगे। मेरा जो कहने का तात्पर्य है, आज जो देश में और प्रदेश में जिनको हक अधिकार नहीं मिला उसकी चर्चा करो जी। वो चर्चा फिर कभी कर लेंगे, आज मैनपुर चर्चा उसको जवाब दीजिए भाई। जो जो मैनपुर, मेरा कहना है आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर बयान दे रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भविष्य में कभी कहते हैं कि हमको सुभाषपा में आना तो आने देंगे, मना कर देंगे? नहीं देखिए, ये राजनीतिक विषय है, ये तो वो जाने। अच्छा, वो जाने। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। अच्छा, लेकिन अगर मेरा मन होगा तो मैं उनको नहीं आने दूंगा, नहीं आने देंगे। मेरी पार्टी तो है नहीं सुभाषपा। अच्छा, मैं तो उस पार्टी का एक सेवक हूँ। अच्छा अच्छा, सुन लीजिए, मैंने कहा ना, जो व्यक्ति मलाईदार पदों पे रहते हुए मलाई खाने के बाद, अच्छा, आज जो है लोगों को हक अधिकार की बात करना चाहिए, महंगाई की बात करना चाहिए। अच्छा। लोगों के बच्चों को शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे हो। ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है भाई, हमारे जनक प्रसाद हमारी पार्टी से जुड़े हुए। जनक भाई, कैसे देखते हैं इन पूरी बयानों को, इन बयानों के महाभारत पे क्या कहेंगे? महाभारत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बयानबाजी का जो दंड चल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति और स्वच्छता के लिए और प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। हमारी देश में किसी भी जन संबंधी मुद्दों पर चर्चा छोड़कर केवल धार्मिक मुद्दों पर चर्चा चल रही है। आपकी क्या राय है इस तमाम मुद्दों पर? गौरव भाई और प्राइम टाइम का, प्राइम टीवी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। आपने एक तिरंगा शाखा प्रमुख को आम आदमी पार्टी के अपने चैनल पे जगह दी अपनी बात रखने के लिए जी, और इसके लिए बहुत बहुत। आम आदमी पार्टी और तिरंगा शाखा का कंसेप्ट क्या है जी, वो मैं चौपाई के द्वारा ही मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। कि जाति पाति पूछे ना को, हर को भजे सोहर को, यानी कि हमारी आम आदमी पार्टी और तिरंगा शाखा जी संविधान के आर्टिकल 14 को जो बाबा साहब ने बनाया था जी, अरविंद जी भी कंसेप्ट है कि जिस देश का जब शिक्षा जी क्वालिटी एजुकेशन होगी और मुफ्त एजुकेशन होगी तभी यह देश विश्वगुरु बनेगा। अच्छा, तिरंगा शाखा का जो माननीय संजय सिंह जी ने जो आयोजन किया उसका कंसेप्ट यही है कि जात धर्म को छोड़कर आप एक एक बच्चे को, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, एक एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए तब ये विश्व गुरु, देश विश्व गुरु बनेगा। ठीक। दूसरी बात यह है कि ये ब्राह्मण की जो बात कर रहे थे जी, तो क्या ये मोहन भागवत जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आप बनाइए ब्राह्मण, हम उनका समर्थन करते हैं इस बात के लिए। अच्छा, तो मैं ये चाहता हूं कि ये धर्म, ये अच्छा ये डिबेट इस समय पैदा क्यों किया गया जी? प्रश्न यहाँ पे है, जिस प्रकार से एक बस में आप जब जेब आपकी कटती है तो चार पांच आपको धक्का देने वाले जेब कतरे होते हैं। अच्छा, और एक जेब काटने वाला अलग होता है। उसी प्रकार से देश में अडानी ग्रुप ने
कितना बड़ा घोटाला किया है, ये उसको गुमराह करने के लिए, उस टाइमिंग को गुमराह करने के लिए ये बयान दिया गया है। अच्छा। हमारा पूरी देश का डिबेट जो है वो दूसरे डायरेक्शन में चले जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी और तिरंगा शाखा के लोग कल मजबूती से धरना प्रदर्शन करेंगे। अडानी ग्रुप के जो ठगी करी है और जो ठगी में शामिल है, अच्छा, जो ठगी में शामिल है उसको हम देश का गद्दार मानते हैं। अच्छा। जो ये हम आपको बताना चाहते हैं, और सड़कों से लेकर संसद तक इसको हम जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक अडानी ग्रुप के खिलाफ एक अडानी मुद्दा नहीं है हमारा, हम भटकने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी अडानी मुद्दा नहीं है, मोहन भागवत के बयान पर अडानी मुद्दा नहीं है, मुझे पता है अडानी मेरे सर, ये मोहन भागवत को या अडानी को बचाने के लिए देश की अच्छा, बचाने के बयान दिया गया है, बात हो रही है। अच्छा, हमारे माननीय सांसद जी बयान दे रहे हैं। जी 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 बताइए, बोलिए। ये दिमाग से हटाने के लिए अब तक क्यों नहीं बता करके ब्राह्मणों ने जात बनाई? अच्छा, आज तक क्या पता नहीं था मोहन भागवत जी को कि ब्राह्मण ने गोत्र भी बनाया है साथ में? अच्छा, जाति में जात, जाति में गोत्र भी बनाया हुआ है। ठीक, और बता, एक बात बताना चाहता हूँ आपको जी, अगर पांच भाई हैं जी, अगर एक, मैं इशारा करना चाहता हूं जी, अगर एक भाई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लग जाता है जी, तो चार भाई उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो आप देश को किस रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं जी, ये देश आपको समझ रहा है। अच्छा। या आपको पूरे नहीं उसी उसी व्यवस्था में लेके जाना चाहते हैं जहां वो व्यवस्था पहले थी जी, गरीब और जो है 85% जो छोटे जो जात का आदमी है वो शिक्षा अच्छी ना ले, लेकिन अच्छा, अरविंद जी ने कसम खाई है कि भाई देश चले, ठीक है, बाबा साहब के संविधान चलेगा। ठीक, ठीक, तो हमारे ठीक है, ठीक, बात आ गई, आप बात आ गई, यादव जी जो बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा, देश के संविधान से चलेगा, देश बाबा साहब, ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद, ठीक है, ठीक है। गजेंद्र भाई बेहतर मूल्यांकन करिए भाई, यहाँ पर सवर्णों की बात भी है और कहीं ना कहीं सवर्ण महासंघ की यहाँ पर आप प्रतिनिधित्व करते हैं, कैसे देखते हैं? गौरव भाई देखिए, मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, और खास करके मोहन भागवत जी का बयान जी। बांस का पेड़ तो हम सभी ने देखा होगा जी, लेकिन जब बांस के पेड़ में लग जाता है फल, अच्छा, तो सूख जाता है वो जड़ से, अच्छा, ठीक है, तो 100 साल हो चुके हैं इनके, अच्छा, इनके भी सूखने का समय आ गया है। अच्छा, किसी के बयान का जवाब ये ऐसा देना चाहते हैं कि एक समाज पे ला दिया जाए और वह समाज चुप रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, कौन समाज पे ला दिया गया? क्यों कि जिस जिस जगह से वो बैठ के बोल रहे हैं उसका निर्माण उन्हीं उन्हीं ब्राह्मणों ने किया है। अच्छा, उसका गठन उन्हीं ने किया है। आपको जो बोलना हो बोलिए, रामचरितमानस पर तो चुप रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर तो चुप रहे, आज इनकी ये भाषा स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान का समर्थन है। अच्छा, लेकिन संविधान कहां है? आज देश में न वेद है, न गीता है, न तो उपनिषद है, उनसे नहीं काम चलता है। अच्छा। देश संविधान से चलता है। ठीक, अभी एक महोदय ने कहा है शूद्र, देखिए संविधान के महत्व देते हुए इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कोई शब्द शुद्ध शब्द हमारे संविधान में नहीं है। और बार बार संविधान की बातें यहां पर जो जो भी राजनेता आएगा केवल संविधान की बात करेगा कि संविधान जी, अरे भाई संविधान में न तो ब्राह्मण है न तो शूद्र है। ठीक, संविधान में सामान्य वर्ग है, अपर कास्ट है, ओबीसी है, एससी एससी है, अल्पसंख्यक है, ये चार ही वर्ग है संविधान में। ठीक, और संविधान उन्हीं से चलेगा। आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन भागवत को आज आई है याद कि हिंदू समाज को जब इन्होंने देखा है कि बिखराव अब होने वाला है, अच्छा, तो इनको याद आया कि किसी के ऊपर नहीं आपको ठीकरा फोड़ना और सीधा उठा करके ब्राह्मणों पर फोड़ दो, ब्राह्मण नहीं का पंडित का। उसके बाद अरे भाई पंडित, अच्छा, पंडित शब्द मतलब सीधा होता है ब्राह्मण से। क्या बात, पंडित की परिभाषा कोई दूसरी थोड़े ना है, यही परिभाषा है, यही परिभाषा सीधी परिभाषा है। अच्छा, ये घुमाने की बात सुनिए, घुमाने की बात सुन लीजिए, बात को देहराम भाई, बात को पूरी बात को सुन लीजिए, देहराम भाई पालपुरी, बात को सुनिए आप पहले बोलिए। पंडित
स्पष्ट रूप से देखिए, जब उनको ऐसा लगा कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया तो एक बीच में आ जाता है बोलने के लिए मुर्गा, ना 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 ना, ब्राह्मण नहीं कहा उन्होंने, पंडित कहा, विद्वान। अब पंडित विद्वान, अब विद्वान कहां से लोगे भाई? तो एससी से भी जोड़ लो, ओबीसी से भी जोड़ लो, अल्पसंख्यक से भी जोड़ लो, ब्राह्मणों से भी ले लो, राजपूत, जहां जहां पे विद्वान है हमने सबके विषय में कहा है, ठीक है। अरे भाई अस्पष्ट बोलने का प्रयास कीजिए, राष्ट्र को गुमराह मत कीजिए। ठीक, 100 साल से गुमराह कर रहे हो, अच्छा खत्म होने का समय आ गया है। कौन गुमराह कर रहा है? निश्चित तौर से खत्म हो जाओगे। अच्छा। ये बताओ आप, जब भी मुद्दा आता है कभी बात हो जाती है क्या कि फला का डीएनए हमारा डीएनए एक है? बिल्कुल। अरे भाई डीएनए पे काम करना है कि संविधान से काम करना है? जी, संविधान को चलने नहीं देते हैं आप लोग। अच्छा। संविधान अपना पूर्ण से काम नहीं कर पा रहा है, गरीब आज भी गरीब है। मैं बात कर रहा हूँ एससी एससी ओबीसी सबकी बात कर रहा हूँ। उसके लिए कोई काम होता है क्या? आज तक इस देश में शिक्षा नहीं फ्री हो पाया। नहीं, सही बात, शिक्षा फ्री कर दो, हम इससे भाई उब गए हैं, इन चीजों से उब चुके हैं हम लोग। त्रिपाठी जी का बहुत समर्थन करता हूं मैं। जी, जी, जी। इस चीजों से हम लोग बिल्कुल ही बिल्कुल ही यहाँ पर उब चुके हैं हम लोग। जी, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आवासीय व्यवस्था हमारे गांव की देखिए, पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ के देखिए, इस पर कोई काम नहीं करना इन लोगों को। अच्छा, अब इनके पास भारतीय जनता पार्टी को, अच्छा मैं वो सुनना चाह रहा था जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई काम नहीं करना है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पे चुप क्यों हैं? अच्छा, इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, संघ प्रमुख को ले आते हैं फ्रंट पे, आओ बोलो। अच्छा, अब यहाँ पर जरूरत है तुम्हारी। ठीक, क्यों? कि आपकी पूरी बैकिंग कौन है? संघ है। क्या बात, और संघ की बैकिंग के सहारे आप पूरे देश में आज के डेट में छाए हुए हो। ठीक, कौन आपको जानता, वही संघ ले आया, और वही संघ लाने के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पर जी, गौरव भाई जी, यह जिस जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आज देश का पूरा व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है। ठीक, इनके पास में उतने वोटों की संख्या है, बदले ना जाति को, हटाएं। क्या बात, हिंदू समाज को जोड़ना है, हटाएं जाति को। जी, जैसे जाति हटेगी जी, फिर वही चीज लागू होगा, जहां पर फिर से आ जाएगा कर्म जी, ब्राह्मण का कर्म जी, हमारे यहां अगर आकर के एससी एससी भी करता है तो कल की डेट में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुद्धिजीवियों की बात करता हूं, बाबा साहब अंबेडकर को लोग सीधा क्या बोलते हैं? विद्वान बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं। बहुत सारे मैंने लेकर के ब्राह्मणों से सुना है कि विद्वान है, क्यों बोलते हैं लोग? क्योंकि फिर वही चीज आएगी कि जो शिक्षित होगा अध्यापक होगा, विद्वान होगा, उसकी बात कही जाएगी। गीता में भगवान ने जो बात कही है वह बात पुनः यहां पर लागू हो जाएगी। इनको लागू नहीं करना है, इनको तो राजनीति करना है, घुमाना है देश को, घुमाते रहो पूरा, जब तक इनको मौका मिले घुमाते रहो इनको। गौरव भाई मेरी आवाज जा रही है, पूरी जात को घुमा दीजिए, पूरे देश को घुमा दीजिए। ये लोग जाते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट के लिए, अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए। दो मिनट रुकिए देशबंधु भाई, जिस तरह से यहाँ पर गजेंद्र भाई ने बात कही है, एक मिनट जी, जल्दी बोलिए, समय कम है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ जी, देश के राजनीतिक दल एक साथ बैठे और कहे ना कि देश में जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। कोई राजनीतिक दल यहाँ बैठ करके कभी नहीं कहेगा कि राजनीति कभी भी कि जाति व्यवस्था देश से खत्म करो, क्योंकि राजनीति इनको इसी पे करना है। ठीक है, ठीक है देशबंधु भाई, जिस तरह से गजेंद्र भाई ने कहा कि बीजेपी इस तरह से काम कर रही है, केवल एक अलग तरह की पटकथा तैयार कर रही है, कहीं ना कहीं इसको हमारे देश को जरूरत नहीं है, कैसे देखते भाई? देखिए बहुत बहुत महान भाव ने अपने वक्तव्य दिए, अब मैं मुस्कुराऊं के क्या कहूं इनके विद्वता को। मुस्कुरा लीजिए, जवाब दीजिए जो आपकी इच्छा हो। नहीं, अब मैं यही कहूंगा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विघ्न विधाना। अच्छा, कुमति आ गई इनको, सुनिए, कुमति किसको आ गई? त्रिपाठी जी को आ गई, नितिन भाई को? आप देखिए जी, गजेंद्र भाई कह रहे हैं, नहीं देखिए भागवत जी के लिए कह रहे हैं। अच्छा, नहीं भागवत जी के लिए कह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, देखिए आपको बता दे, भारत एक एकता अखंडता का देश है जी। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ बोले, मान्यवर सपा वाले भी, सुबह सपा वाले, मैं एक बात बहुत प्रमाणिकता के तौर से राष्ट्रीय चैनल पे कह रहा हूँ, जब जब चुनाव आता है जी, तब तब सारी विपक्षी पार्टी जातियों धर्म को, फिर मैं गीता का श्लोक कहूंगा,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सुजाम्यहम्। अच्छा, जब जब धर्म की, अगर धर्म और राजनीति को जोड़ के देश की प्रगति की बात करेंगे, अरे हमने कहा 5 ट्रिलियन पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, इकोनॉमी पे बात करिए, टेक्नोलॉजी पे बात करिए, स्किल इंडिया पे बात करिए, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं, अभी हमारे एक मान्यवर कह रहे हैं 100 साल, अरे आपको बता दें, अगर हमारा रूट सही होगा, अब मैं वैज्ञानिक तरीका बताता हूं, चाहे वो सवर्ण महासभा हो, चाहे समाजवादी पार्टी के मान्यवर हो, चाहे सुभाष के, अगर देखिए वैज्ञानिक आधार है, गौरव जी मानेंगे, अगर मेरा रूट सही होगा तो फ्रूट्स अपने आप सही होंगे। रूट सही तो फ्रूट सही, रूट गलत तो फ्रूट गलत। अगर मैंने खेत तैयार किया है, अगर मैंने उसमें बीज डाला है, अच्छा, मैंने संस्कार दिए हैं, तो फ्रूट्स कभी नहीं खराब आएगा। अच्छा, और हमारी संघ की विचारधारा बहुत ही मौलिक विचारधारा है, हम देश की अखंडता एकता पे विश्वास करते हैं, हम लोगों की प्रगति पे विश्वास करते हैं, तो जनमानस की सेवा पे विश्वास करते हैं। और अभी आप जो बात कर रहे थे, मेरी बात सुनिए, आप बात कर रहे थे आपकी गलत की, अरे पता आपने ए बी सी डी का जवाब जो है जनता, जवाब ले ले।
जिसका जवाब जनता देगी, जिसने भगवान राम को गाली देने वाले। अरे आपको शर्म नहीं आई? आज तक हिंदुओं की बात करते हैं, अभी आप चौपाई सुना रहे पंडित की? निरीह कार सेवकों पे गोलियां चलाने के लिए कभी आपने? अरे वो तुम्हारी जो हत्यारी सरकार जो है, हत्यारी सरकार ने कोई बात नहीं, वही मैंने कहा ना, कर लो ये रायता, सुनो ये चाशनी, ये ठीक है हो गया, चाशनी जो है चला लो, जाति के नाम पे देश को तोड़ के बात कर रहे हो, जगह के नाम पे बात करते हो, एक चौपाई हो गया, हो गया, बात आ गई, बात आ गई। अरे जिसका मानसिक खुद गला फाड़ फाड़ के लड़ने का मतलब नहीं है भाई, बहुत ही विक्षिप्त है। अच्छा, अरे सुनिए, विक्षिप्त है भाई, वो मंचों से तारीफ करते हैं, आप यहां बता रहे हो, आप जितनी बुराई करेंगे दे रहे हो 24 में। अरे 2024 में जनता जवाब दे देगी यार, आने दो, समय आने दो, बाईस में जवाब मिला ना, 2017-14 में मिला ना, 17 में मिला ना, 19 में मिला ना, 22 में मिला ना, 24 में मिलेगा ना, जाति जला लेना, 135 करोड़ जनता ने जवाब दिया ना, बैठो कमरे में बैठ के सोचो, विचार करो, ठीक है ठीक है, करो जाति धर्म के नाम पे, हो गया हो गया हो गया, बात आ गई भाई, बात आ गई, थोड़ा सा पानी पी लीजिए आप लोग, बड़ी बड़ी गर्मागर्म बहस हो गई भाई, बड़ी गर्मागर्म बहस हो गई, गला फाड़ फाड़ चल रहा है, कोई लाभ नहीं है, अपने अपनी बात को जनता से सामने रखें, ठीक है। गजेंद्र भाई आप कुछ बोल रहे थे, फिर दाराम भाई की बात लेता हूँ। गजेंद्र भाई कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैं तो एक एक सामान्य बात यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, यह जाति व्यवस्था को कितने दिनों में खत्म करना चाहते हैं? अरे गजेंद्र जी आप कब बात करते हैं, सुनिए, कब खत्म करोगे? पंडित की बात की आपने, बात की कब खत्म करोगे जाति व्यवस्था, बताओ? मैंने आपसे पूछा, कब दोगे निःशुल्क देश को? सुनिए बड़े वरिष्ठ देश को निःशुल्क शिक्षा कब दोगे? आपको कोई डेडलाइन नहीं है, मेरी बात करिए, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, प्लान नहीं है, केवल एक बात बताइए, शुल्क शिक्षा देने का कोई प्लान नहीं होगा, ठीक है, इसका रूट सही होगा, इसका रूट का फ्रूट ब्राह्मण द्वारा बनाया हुआ है, ब्राह्मण द्वारा बनाया हुआ है, चर्चा नहीं कर रहे हैं, फ्रूट आप ब्राह्मण को गाली देंगे, वो फ्रूट देखेगा, फ्रूट होगा, आवाज भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, आवाज चल रहा है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता मुझे, जनता को बताइए, नहीं आप बताइए, मैं आप नहीं, आप ये बताइए, नहीं आप जाति के नाम पे कब तो तोड़ेंगे, नहीं आप बताइए, आप जाति के नाम पे कब, मैं पूछता हूँ, आप जाति धर्म के नाम पे कब पे बात करेंगे, क्यों नहीं बात करते प्रगतिशाली सोच की, क्यों नहीं वैज्ञानिक बात करते, आप क्या बात कर रहे हैं, की बात कर रहा है, आप स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य खंडन क्यों नहीं करते, आप हिंदू नहीं हो, आप कहिए, आप कहिए कि आप चले ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, आप कहिए प्लीज, आप बोलिए ना, देखो प्लीज, जितने भाई बोलेंगे बोलिए, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरा धर्म सनातन है, तुम हिंदू हो गए, तुम काले काफिर चोर लुटेरे हो गए, मैं नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरा धर्म सनातन है, जिसकी जैसी सृष्टि वैसी सृष्टि, तुम चोर हो, तुमको सारी दुनिया, अरे भाई मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए, ऐसा मत करिए, मर्यादा में रहिए भाई, तुम्हारी दृष्टि गलत है, मर्यादा में रहिए, चोर हो, मैं चोर, चोर कोई दिखता है, तुम्हारी दृष्टि है, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु
बात आ गई, याद आ गई, यहाँ पर मर्यादा भूल गए आप लोग, मर्यादा भूल गए। ताली बज गई है। यहाँ हम जनता की बात कर रहे हैं, यहाँ हम देश के 135 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी बात बार बार आ रही जातियां कैसे जी। देखिए जातियां, पहले हमारा देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था जी। आज हमारा देश जो है जातिवाद प्रधान देश है जी। इससे हम अछूते नहीं, ना आप है ना कोई भी है। सही बात है। चाहे वो सपा हो या भाजपा हो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो या सुहेल देव आपकी समाज पार्टी, भी आज देश में कोई भी दल हो तो जातिवाद की चर्चा ना करता हो। अब उसकी कहानी बताते हैं, जातिवाद कैसे खत्म होगा। पहले तो आप जो तहसीलों से ठप्पा लगता है जात के नाम पे, उसे बंद करा दीजिए। तो डीएम देता है, तहसीलदार देता है, अच्छा तो जातिवाद खत्म होगा, वो आप बंद नहीं कराएंगे। दूसरी बात, आज जो देश में जात के नाम पे चर्चा हो रहा है, होना चाहिए, इसलिए 75 साल के आजादी में जिन जातियों के बेटी बेटा को, मैंने आपको बताया, डीएम, एसडीएम, चपरासी या थानेदार, चौकी इंचार्ज नहीं बन पाए हैं, ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाए हैं, लेखपाल नहीं बन पाए हैं, तहसीलदार नहीं बन पाए हैं, इनके बेटी बेटा कब बनेंगे? अच्छा, तब बनेंगे जब हमारे हमारे देश में बहुत सारी फ्री शिक्षा की बात, फ्री की बात होती है। अच्छा, हमारे देश में अगर फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश की जनता को जो है फ्री राशन की भी जरूरत हो। अच्छा, किसी बिजली की जरूरत हो जी, फ्री जो है किसी चीज की जरूरत हो जी, शिक्षा केवल आप फ्री कर दीजिए। लेकिन यहाँ बात आएगी गौरव भाई, अगर शिक्षा फ्री हो जाएगा, प्राइवेट में जो लूट बटा हुआ है वो लूट कैसे हो जाएगा? तो सरकारों में इतनी इतनी समझदारी तो है कि अगर हमने फ्री शिक्षा कर दिया, बिना स्वास्थ्य कर दिया, तो गरीब जनता के पैसे जो उनके खेत गिरवी रख दिए जाते हैं इलाज में या पढ़ाई में, या इलाज में उनके गिरवी रख दिए, बेच करके इलाज कराते हैं, या खेत को बेच करके शिक्षा बच्चे जो अर्जित करते हैं। आज जिनके बच्चे 8 साल में शिक्षा अर्जित करके खेत गिरवी रख के बेच करके जो पीएचडी कर लिए हैं या तमाम डिग्रियां लेकर के बैठे हैं, 8 साल में नौकरियों का अकाल पड़ गया है। इसमें कोई डिबेटर जो है नौकरी के ऊपर चर्चा नहीं किया, राजभर जी बोलते भी नहीं नौकरी। दूसरी बात, राजभर जी नौकरी नहीं बोलते नहीं। दूसरी बात जी, देखिये बयान लगातार दे रहे हैं। दूसरी बात जो है, स्वास्थ्य हमारे देश में इतना महंगा हो गया है, मैं आपको बताऊं, अभी लखनऊ के ही हम जल्दी बोले समय कम है बात कर रहा हूँ जी। मेरे पास देख, सुन तो लीजिए, मैं बीच में बोल नहीं रहता, बोलिए। इलाज के लिए वो व्यक्ति जाता है, उसको अपना खेत जो है क्या नाम गिरवी रखना पड़ा, उसका मरीज भी खत्म हो जाता है, खेत भी चला गया, उसे लाभ नहीं मिला। गलती किसकी है? इसका मतलब अगर हमारे देश में स्वास्थ्य और शिक्षा, गलती किसकी है लोगों को बड़ी? अरे गलती किसकी है? आज गलती किसकी है? सरकारों की है, सरकारों की है। राजभर जी उसको बयान क्यों नहीं देते भाई? 10 करोड़ को आयुष्मान कार्ड मिला होगा, आप जैसा रहा होगा, नाचना नाचना आंगन टेढ़ा,
अच्छा नाच ना आयुष्मान कार्ड में 50 करोड़ लोगों को इलाज। अरे भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं नाचना आगे आगे टेढ़ा भाई जी। अरे मौसेरे भाई बोल रहे हैं संभल के जाओ भैया। नहीं मौसेरे भाई नहीं बोल रहे, देखिए देखिए दोनों लोग मौसेरे भैया जो कह रहे हो कि सरकार है अभी कोई और नहीं मिला है। अभी बुआ बबुआ चले गए, युवा राजकुमार साइकिल चला रहे हैं। सुन लीजिए कुछ समझ नहीं है, भाजपा प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं। भारतीय समाज पार्टी स्वास्थ्य रोजगार दवाई की बात करती है, हक अधिकार की अच्छा, बात करती है। फिलहाल तो मोरे आपको बयान दे रहे हैं, शिक्षा रोजगार दवाई की बात करती है। भाई आपका भैया ने बता दिया, बात कर रहा तो बयान मोरा जी पे देते हैं। सपा बसपा कांग्रेस भाजपा तो सरकार में रहे क्यों नहीं? समाजवादी गरीबी दूर रहेगी, समाजवादी पार्टी ने। चलो ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, हो गया बात आ गई। आम आदमी की बात करें, आम आदमी पार्टी कुछ बोलेगी? चलो आम आदमी पार्टी बोलेगी, ठीक है ठीक है, बोलिए कनक भाई बोलिए। मान्यवर मान्यवर हमारे जो भाजपा के जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि शिक्षा पे बात करो स्वास्थ्य बात करो, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आपने शिक्षा का बजट क्यों कम किया, आपने स्वास्थ्य का बजट क्यों कम किया? दूसरी बात, आप कितना भी गुमराह कर लो, कल सुनिए झूठ पे चलाओगे, शिक्षा का बजट बिगड़ा, ग्रामीण क्षेत्रों में बजट घटा दिया गया, जवाब दे दिया जनता ने, जवाब दे दिया। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, नहीं ने 22 में जवाब दे दिया। आपके बोले जी में 72 छेद। अच्छा आप बात कर रहे हो 17 में 25 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिया। मान्यवर हमारी रीति भाई जनता की सेवा के लिए है, 24 अप्रैल आएंगे बैठेंगे चैनल पे चर्चा करेंगे। अरे भैया ठीक है। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी बहुत महत्वपूर्ण और चर्चा थी यहाँ पर। हो गया भाई। नितिन भाई, देशबंधु भाई प्लीज, हो गया देशबंधु भाई, डिबेट खत्म हो चुके, प्लीज 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 प्लीज, हो गया देशबंधु भाई, हो गया। आप सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी मोहन भागवत के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंडित यानी विद्वानों ने जो व्यवस्था बनाई है शास्त्रों को लेकर, शास्त्रों का हवाला लेकर, कहीं ना कहीं उसके लिए देश में जगह ही नहीं है और ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश को आगे बढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो होते हैं रोटी कपड़ा और मकान, पर जो समय देश में दिक्कतें चल रही हैं, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो चल रही हैं केवल धार्मिक बयान और केवल धार्मिक बयान। हमारे देश में इन बयानों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म और जाति एक अलग व्यवस्था के लिए बनी है। धर्म के माध्यम से केवल भक्ति भाव, श्रद्धा और आस्था को देखा सकता है, ना कि राजनीति को। तभी तो एक प्रसिद्ध कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि 60 संदूक में भर कर दफन कर दो नफरत है, 60 संदूक में भर कर दफन कर दो नफरत है, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे निर्ति नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो